कलर और वो भी कलर। ये तो क्लीन फिट दे रहे होंगे ना, इसलिए कर रहे हैं। स्वागत और इस्तकबाल में किस तरीके से लगातार वहां पे पलक पावड़े बिछाए हुए हैं एक तरीके से यूएई ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की जो एक आपसी केमिस्ट्री भी है, दोस्ती भी है, वो भी बहुत मायने रखती है। तो जी हाँ, और उसी दोस्ती के लिहाज से ही कहा जा रहा है कि 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की ये सातवीं यात्रा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के कई मायने हैं। बेहद महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। यह आज पहला दिन है, दो दिवसीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद गार्ड ऑफ ऑनर के ये समय आप दृश्य देख रहे हैं। और इसी के साथ हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत और यूएई के बीच संबंधों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव देखे जो आर्थिक मोर्चे पर बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे वो सीईपीए हो या फिर सामरिक संबंधों को भी रफ्तार देने की बात हो। बिल्कुल, अब मैं अपनी सीमित जानकारी में, मतलब जो मुझे दृश्यों में दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले जो सैनिक हैं वो अलग अलग रंग की ड्रेस पहने, तो निश्चित तौर से जैसे हम भारत में कहते हैं ट्राई कलर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर, तो उस तरीके का एक गार्ड ऑफ ऑनर ये एक बड़े बृहद सम्मान का सूचक होता है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में इस्तकबाल में एक तरीके से दिखाई पड़ रहा। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति जो यूएई के हैं नाहयान साहब वो वहाँ पहुँचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। और गर्मजोशी से जिस प्रकार से दोनों लोग दूसरे के गले मिले हैं, ये सातवीं यात्रा कितनी खुश मिजाज भरे माहौल में होने जा रही है, इससे तमाम प्रकार की जो दोस्ती को आगे, संबंधों को आगे बढ़ाने की जो बात की जा रही है उसके फलीभूत होने के लिए भी हम कह सकते हैं। और ये अपने आप में दिखाता है कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में एम्बेसडर चंद्रमोहन भंडारी जी लगातार बने हुए हैं, आप यूएई में भारत के पूर्व राजदूत रहे। भंडारी जी, एक बार फिर से आपसे हम इस बात को चर्चा आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जो पहली तस्वीरें अब अबू धाबी से आई हैं वो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। तो कहते हैं ना कि शुरुआत अगर ऐसी है तो निश्चित तौर से आगे के लिए उम्मीदें बढ़ती हैं। इस सातवीं यात्रा के लिहाज से किस तरह से आप अपने शब्दों में इसको बयां करेंगे एम्बेसडर भंडारी? प्रधानमंत्री जी का जो स्टाइल है ऑफ फंक्शनिंग, तो यही स्टाइल अरब लोगों का है। मुझे याद है जब मैं वहाँ ज्वाइन ही मैंने किया था 2005 में, अभी चार दिन ही मुझे हुए थे, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे और वो सिर्फ डे विजिट पर दुबई रुके थे, तो उस समय जो वहां के दुबई के जो शेख थे उनके मंत्री थे पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करना चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट, और अगर आप प्राइवेट टू प्राइवेट बिजनेस टू बिजनेस बात करना चाहते हैं तो मैं ही कंपनी का मालिक भी हूँ। तो वहां खाड़ी के देशों में ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां सरकार तो है लेकिन सरकार एक ही जो शेख है, जो उनके सरबरा है, वही उन्हीं के कहने पर सब होता है, तो वहां पर स्पीड ऑफ बिजनेस बहुत तेज होती है। मुझे मालूम है जब मैं शेख मोहम्मद साहब के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से मिला था, शेख मोहम्मद बिन राशिद जो दुबई के शेख हैं, तो उनकी विजिट की बात हो रही थी एज प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया, पहली विजिट हो रही थी मेरे समय में हुई थी, तो उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने यही कहा कि भाई हमारी शेख चाहते हैं कि हम सुबह अपने एग्जीक्यूटिव जेट से वहां पहुंचेंगे 9-10 बजे और 4-5 बजे तक अपना बाका करके वापस आए। तो उन लोगों का जो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है इट इज बिजनेस लाइक, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर चीज में बिल्कुल
मतलब कहीं भी वहां कोई बिजनेस में रुकावट नहीं है, ओपन प्लेटर दिया जाता है। तो इसीलिए इतने हमारे खाड़ी के देशों से जो संबंध है वो इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ गए हैं, जो कि एक तरह से एक मिरेकल ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने जो एक दीवार खड़ी की हुई जी। वो दीवार पूरी तरह से हमारे करंट प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल हटा दिया है। जो अब हमारे और खाड़ी के देशों के संबंध में कोई तीसरा मुल्क बीच में नहीं रोक सकता, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने समय में देखता था कि वहां पर वो एक बहुत बड़ी रुकावट आती थी कि नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान के साथ OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज करके है, तो वो एक काफी उसको आगे लाया जाता था, जो कि अब बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए, इसकी कोई बात ही नहीं होगी। और इट इज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सऊदी से ही क्लोज रिलेशन कर लिया, तो सऊदी और UAE साथ में ईरान जो तीन एक मेजर कंट्रीज हैं जो मेटल का, तीनों से ही तो हम मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है कि अब इवन एक स्पिरिचुअल मैटर्स, तो ये जो स्वामी नारायण मंत्र इस समय बना है और उससे पहले आई थिंक अब तो शायद कई साल हो चुके हैं जो सिख गुरुद्वारा दुबई में बना, तो ये सब एक माइलस्टोन से है जिसमें कि पीपल टू पीपल रिलेशंस काफी मजबूत हो रहे हैं जी। वैसे भंडारी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक शैली है और उस शैली से मेल खाता हुआ आपने कहा कि खाड़ी देशों में भी जिस तरह से एक अंदाज है वहाँ के शासकों का, उसकी आपने बात की है, तो क्या आप ये मानते हैं कि भू राजनीतिक परिस्थितियाँ जिस समय बदल रही थी उस वक्त, यानी कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम परिस्थितियों में किस तरह से खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में नई संभावनाओं को तलाशा जाए और उसके संदेश बहुत बड़े होंगे? जिस पड़ोसी मुल्क की लगातार आप बात कर रहे हैं, वो जो एक बड़ी रुकावट रहा भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों में, उस रुकावट को भी दूर करा और खाड़ी देशों के साथ नजदीकी के साथ ही विश्व को एक बड़ा संदेश भी दे दिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। मिस्टर भंडारी जी, मैं आपको विनम्रता से रुकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त अबू धाबी से फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी है वो दिखाती है बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल हुआ है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है प्रधानमंत्री को। और बिल्कुल आरेंद्र, और देखिए आप जो विजुअल्स देखेंगे तो सबसे पहले पाएंगे कि जो दोनों ही लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। और हमने देखा कि हाल ही में अभी जो UAE प्रेसिडेंट थे वो गुजरात के दौरे पर भी आए थे, और जो केमिस्ट्री दोनों ही लीडर्स के बीच में देखने को मिलती काबिले तारीफ रही एक तरह से। इस समय के जो लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को इस समय पर बताएं अगर आरेंद्र, तो इस समय पर वन ऑन वन मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UAE प्रेसिडेंट के बीच में, और उनका सेरेमोनियल वेलकम यहाँ पर हुआ है जिस तरह से हम जानते हैं। और एक तरह से आज का जो दिन रहने वाला है, जाहिर सी बात है वो अलहान मोदी जो कि एक सबसे बड़ा जो डायस्पोरा इवेंट यहाँ पर माना जा रहा है, उस लिहाज से यहाँ पर जो होने जा रहा है जिसके लिए सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्या कुछ सरप्राइजेस होंगे इस अलहान मोदी के अंदर, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन काफी सारे सरप्राइजेस प्लान होंगे। और जाहिर सी बात है कि इस समय पर हम जानते हैं कि लगभग 3.5 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा रहता है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो रुपे कार्ड है प्राइमरीली, जो अभी की सबसे बड़ी बात बताएं आरेंद्र आपको, कि रुपे कार्ड जो है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ, तो भारत का जो फिनटेक है उस क्षेत्र के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक और कही जा सकती है। बिकॉज अभी रिसेंटली हमने एक तरह से देखा यहाँ पर कि रिसेंटली आप देखिए कि UPI जो भारत का है वो हर देश लगभग 14 से 15 देशों के आस पास, 2 डजन से ज्यादा देश के अंदर UPI एक तरह से अवेलेबल है, वो अवेलेबिलिटी उसकी आ चुकी है। और आज यहाँ पे दोनों लीडर्स ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो UAE प्रेसिडेंट हैं,
दोनों ने रुपे कार्ड को स्वाइप किया है और उसके बाद में उसको लॉन्च किया गया है। यानी जो भारत का जो मेक इन इंडिया फिनटेक इनिशिएटिव है अब आपको यूएई के अंदर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो भारत के फिनटेक क्षेत्र के लिहाज से आज का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है कि रुपे कार्ड की शुरुआत एक तरह से यहाँ पर अब यूएई में होती दिखाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप कह सकते हैं इस तौर पर कि जो रुपे कार्ड है वो एक तरह से यूएई में भी अवेलेबल होगा। दोनों ही लीडर्स ने अभी कुछ ही देर पहले स्वाइप किया है और एक तरह से उसको लॉन्च किया तो उसकी शुरुआत की गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जाहिर सी बात है मल्टीपल एमओयूज भी साइन हुए हैं इस वक्त जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर है विच इंक्लूड टेक अफकोर्स फिनटेक और टेक्नोलॉजी एक प्रोमिनेंस उसके अंदर रखते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें कि रुपे कार्ड दोनों लीडर्स ने यहाँ पर संयुक्त रूप से लॉन्च किया है यूएई के अंदर। यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं यहीं पर उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। और जाहिर सी बात है कि फिनटेक क्षेत्र जिस पर भारत एक तरह से वर्चस्व बनाता जा रहा है दुनिया भर के अंदर तो वो تعتبر خاصة بالنسبة لنا خاصة في هذه المناسبة اللي بنفرح معك نحن اليوم في خمس رئيس الوزراء منطقتنا تمر بمرحلة صعبة لكن بحكم علاقتنا معكم نحن نبني عليها أمال كثيرة ونتطلع إلى مستقبل مع الهند يرقى بطموحاتنا سيدي علاقة دولة الإمارات مع الهند من قدم الزمان لكن بوجودك نحن اليوم أصبحت علاقتنا علاقة متينة جسر ليمد بين بلدكم وبلدنا جسر قوي وأيضا تعتمد على هذه العلاقة المميزة بين القيادة أشكرك مرة ثانية في خدمة رئيس الوزراء وأنا سعيد جدا أن أراك في بلدك الثاني برادر ما سب سے پہلے تو ہمارا اور ہماری ٹیم کا شاندار और उष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं आप लोगों के बीच आया हूं तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक सांझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुहिम है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए
और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं, इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि UAE और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने IMEC को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस IMEC को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले की और निश्चित तौर से कई क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं। जी हाँ, दोनों ही लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ दोनों देशों के संबंधों के बेहतरी और आगे बढ़ते मजबूत होते संबंधों के बारे में भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक तरह से ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने बहुत साफ कहा, UAE के क्राउन प्रिंस को धन्यवाद किया अपनी पूरी टीम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सातवीं यात्रा है उनकी UAE की और जब जब वो UAE आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर आए हैं, अपने घर वालों के बीच आए हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है भारत और UAE के संबंधों को और व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के अरेंज। बिल्कुल, और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि ये 7 महीने में हमारी 5वीं मुलाकात है, ये बड़ा सुखद संयोग है और आमतौर पर ऐसा कई बार नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये मेरी 7वीं यात्रा है और अपने घर आया हूं ऐसा महसूस हो रहा, अपने परिवार वालों के सदस्यों से मिलने के लिए आया हूं ऐसा महसूस हो रहा। कई बार उन्होंने क्राउन प्रिंस को एक तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति जो UAE के हैं उनको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ब्रदर यानी भाई, मतलब एक भाई के तरीके से संबोधन करना, जो बात आप ऋतु कह रही केमिस्ट्री, वो दिखाता है कि दोनों देशों के प्रमुख मौजूद हैं, वो राजनेता हैं लेकिन उसके बाद भी उनके बीच की आपसी जो घनिष्ठता है, मित्रता है, वो भाईचारे तक बढ़ती दिखाई पड़ रही है और भाई के तरीके से उनको संबोधित करना ये भी अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर यात्रा ने दोनों देशों के लोगों को कुछ ना कुछ नया दिया है और नरेंद्र यही देखा गया कि इस यात्रा में भी अबूधाबी उतरते ही जो सबसे पहली एक तरह से दोनों देशों के बीच आर्थिक मजबूती रही वो UPI के इस्तेमाल की रही है। UPI भारत का और जीवन कार्ड फिनटेक को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता हुआ। हम जानते हैं कि भारत के UPI का डंका इस समय दुनिया में बज रहा है और अब से 2 दिन पहले अरेंद्र मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भी भारत ने UPI को के सहयोग को बढ़ाया है और इस समय 2 दर्जन से ज्यादा देश हैं जहां UPI का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें UAE भी शामिल हो गया है और ये कई नए बड़े अवसर और सुविधाओं को एक तरह से आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा सर्विसेज में सेक्टर में, साथ ही साथ गुड सेक्टर में और एक तरह से ईज ऑफ बिजनेस की दिशा में एक ये बहुत बड़ा कदम दोनों देशों के बीच में रहेगा। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण चीज़ ऋतु ये भी है कि ये फिनटेक भारत के जो बढ़ते क्षेत्र हैं वो आपने जिक्र किया है, लेकिन जो कल प्रधानमंत्री मोदी पहले हिंदू मंदिर का कल उद्घाटन शुभारंभ करेंगे उसके बारे में उन्होंने कहा कितनी सहजता के साथ में, उस वक्त जब
प्रधानमंत्री ने उनसे निवेदन किया और उन्होंने तुरंत ही इस बात का फैसला किया और कहा कि आप उंगली रखिए कहाँ पे ज़मीन चाहिए, उसके बाद में वो उपलब्ध होगी। और आज हम उस सब चीज़ों को फलीभूत होते हुए देख रहे हैं, तो अपने आप में ये दिखाता है कि एक वो जो सहजता है मित्रता की दोनों नेताओं के बीच में, आपसी केमिस्ट्री को लेकर, जो देशों के संबंधों को, जो संस्कृतियों के संबंधों को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है, और शायद इसीलिए एक नए भविष्य की एक बड़ी आधारशिला इन 9-10 वर्षों में रखी गई है। क्योंकि 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की जो ये सातवीं यात्रा है, इसमें भारत यूएई के संबंधों में बहुत कुछ ऐसा रहा है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कई दशकों में नहीं हुआ था। और दशकों के बाद में जब नई तरीके से एक नई शुरुआत हुई है, तो उसमें हर दिन नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, और ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इन बातों को भी रखा कि किस तरह से वाइब्रेंट गुजरात के समिट में शामिल हुए क्राउन प्रिंस और उनके शामिल होने से उस पूरे समिट को किस तरह से एक नई ऊर्जा मिली, और दुनिया ने देखा कि भारत और यूएई या खाड़ी देशों को, वह बड़ा देश जिसे लेकर एक समय कई तरह की आशंकाएं जताई जाती थी, तो इन पिछले एक तरह से कह सकते हैं 2015 से लेकर 23 तक उन आशंकाओं को दूर करता हुआ एक नया आयाम पेश किया है। हमारे साथ एम्बेसडर भंडारी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भंडारी, यूपीआई के स्वैप के साथ शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएई के दौरे को, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जिस दौरान आप रहे हैं उससे लेकर अब तक के सफर में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं भारत यूएई के संबंधों में। जी जी बिल्कुल। हमारे समय में तो थोड़ा सा मतलब गल्फ एरिया नेग्लेक्टेड ही था, और मेरी कई बार मैंने हमारे मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन की थी कि हमारे हेड्स ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर यूरोप जा रहे हैं या अन्य देशों में जा रहे हैं, तो ऑन द वे अगर वो गल्फ की किसी न किसी देश में रुक कर एक दिन बिताने, तो गल्फ की रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। और वही चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने की कि कई बार जो यूरोप की ट्रिप और नॉर्थ अमेरिका के ट्रिप्स लौटते हुए या जाते हुए उन्होंने चाहे वो को लिया, चाहे किसी न किसी खाड़ी के देश को लिया या इजिप्ट को लिया, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि किस तरह से समय निकाला। और खाड़ी के देश चाहते थे कि भारतीय प्रधानमंत्री आए और उनके पास समय नहीं होता था, तो इसीलिए वहां से भी इतनी विजिट नहीं हो पाती थी। तो एक गवर्नमेंट लेवल पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि संबंध नहीं के बराबर थे। प्राइवेट सेक्टर के संबंध तो क्योंकि दवाई भी या फ्री पोर्ट तो वो तो हमेशा ही थे, लेकिन और दूसरी तरफ हमारी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन जो वहां वर्क कर रही, तो अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए, पर्सनल रिलेशंस हो गए, और खासकर मिस्टर भंडारी जी, आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं वही यूपीआई का ही हम जिक्र कर रहे हैं। रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप में ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है, और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की, और संभवतः उनके चेहरे के भाव भी ऋतु बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्या ये हो गया। संभवतः अगर इस तरीके से वो भाव है तो ये जो पलक झपकते ही कैसे पेमेंट भारत में एक बड़ी एक सहज सी बात हो गई है, और शायद कई मुल्कों में इतना आसान नहीं है, और इसीलिए भारत के जो ये फिनटेक के प्रयास हैं आज दुनिया भर में उसकी स्वीकारता बढ़ रही है, और ये एक टच और पैसा आपका स्वैप एक तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे आज एक बड़ी शुरुआत हुई है, और उस शुरुआत के बाद में दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जी हाँ, कई देशों की ऐसी स्टडी रही है जिसमें ये पता चलता है कि कई ऐसे विकसित देश हैं जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस में अभी भी पीछे हैं, जिस मकाम को हासिल किया है भारत ने, क्योंकि यूपीआई भारत का एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरफेस है जिसने कई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत भी किया है, पर्यटकों के लिए सुविधा को बढ़ाया है, व्यापार करने की सुविधाओं को और बढ़ाया है, और उसी एक तरह से उस पूरी लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि इस कार्ड, ये कार्ड यूएई के राष्ट्रपति जी का है, उनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हिज एक्सीलेंसी और उनका नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अल बिन जायद नाहयान के नाम से वो कार्ड है, और उस पर फरवरी का दूसरा महीना और 2024 की तारीख भी अंकित है। यानी कि आप देखिए कि किस प्रकार से पूरी एक तैयारी और उसके बाद में एक बड़ी शुरुआत हुई है ऋतु।
जी हाँ बिल्कुल, जैवान जो वहाँ का इंटरफेस होगा उसके साथ यूपीआई के साथ इस ट्रांजैक्शन को पूरा किया गया है और उस लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है, यानी दो दर्जन से ज़्यादा देशों के साथ भारत का यूपीआई जहाँ इस समय विश्व के कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है उसी में अब यूएई भी शामिल हो चुका है। बिल्कुल, एक बड़ी शुरुआत और भारत के वित्तीय तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती महारत जिसको आज दुनिया स्वीकार रही है, उसकी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन जब अब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे अबू धाबी में उतरने के साथ में और वहां के राष्ट्रपति के साथ में उन्होंने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया और ये दिखाता है कि पलक झपकते ही कैसे ट्रांजेक्शन होता है। तो ये भारत की महारत फिनटेक में बढ़ते क्षेत्रों को दिखाता है और ये कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से यूएई के राष्ट्रपति साहब को दिया और उस पर उनका नाम अंकित है, उसके तारीख फरवरी महीना 2024 अंकित है। ये दिखाती है कि किस तरीके से एक पूरी तैयारी के साथ में भारत का ये सहयोग आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यूएई में पहला ट्रांजेक्शन वहां के राष्ट्रपति ने किया, लेकिन अब ये सिलसिला ऋतु बढ़ने वाला है। जी हाँ, भारत का यूपीआई लोकल से ग्लोबल हो चुका है और उस ग्लोबल होने में एक और देश, और आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री अबू धाबी पहुंचे हैं उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक मजबूत आधार देते हुए डिजिटल पेमेंट में यूपीआई के साथ अब यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, यानी भारत आने वाले और दुबई और यूएई जाने वाले लोगों के लिए अब घूमना फिरना साथ ही साथ व्यापार करने की तमाम उन सुविधाओं को एक नया एक तरह से कॉरिडोर देता हुआ यूपीआई। ऋतु, आप जिस बात का जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 35 लाख भारतीय प्रवासी जो यूएई में रहते हैं उनके लिहाज से भी सोचिए कितना एक मुफीद एक मौका होगा, कितना एक सहज एक ट्रांजेक्शन का तरीका होगा, उनको एक अपना सा लगेगा तब जबकि वो यूएई में मौजूद होंगे और उस समय वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, व्यापारिक लेन देन की बात हो या अन्य प्रकार के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उस लिहाज से घूमने जाने वाले जो तमाम पर्यटक हैं या तमाम अन्य लोग हैं या धार्मिक वजहों से भी कई बार बड़ी संख्या में लोग इन दोनों मुल्कों की यात्रा करते हैं, उस लिहाज से भी देखा जाए तो हर एक आने जाने वाले व्यक्ति के लिए एक नए फिनटेक के माध्यम से एक नए वित्तीय आधार पर ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से एक नई एक शुरुआत जो है उसकी पहल आज हुई है और जो एमओयू साइन हुए हैं भारत और यूएई के बीच में उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स को लेकर है। और आप जिक्र भी कर रही थी श्रीलंका मॉरिशस, हमने कल ही देखा था कि वहाँ पे भी हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे लगभग एक दर्जन देश हैं जहाँ पर यूपीआई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यूरोप के भी देश जिसमें फ्रांस भी उपलब्ध है मौजूद है, इसके अलावा तमाम अन्य देशों में और यूएई भी उसमें जुड़ गया है। जी हाँ अरेंद्र, हम जानते हैं यूपीआई कोविड के दौरान किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक तरह से उसने रीढ़ के तौर पे भी काम करा है और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो उस समय जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए यूपीआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो कोविड का दौर एक ऐसा दौर रहा जिसने एक तरह से प्रमाणित किया है कि यूपीआई कितना आसान सुलभ और सुरक्षित उपाय है एक तरह से तमाम वित्तीय लेन देन के लिए, और इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ ही भारत के इस डिजिटल पेमेंट इंटरफेस को जिस तरह से सराहाया गया है तो इसमें जो देश इसको अपनाते हैं उनके भी बहुत सारे हित जुड़े होते हैं क्योंकि उनकी भी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी रहेगी आने वाले समय में। तो उसी दिशा में यूएई के साथ भी भारत का ये सहयोग एक तरह से आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है जो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के उनकी सुलभता को ध्यान में रख के जो तमाम कदम उठाए जाते हैं और यूपीआई को भी उसी तरफ एक बड़ा कदम देखा जाता है। बिल्कुल ऋतु, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना वित्तीय लेन देन का एक अधिकार या कहा जाए कि तक एक आधार किसी को सौंपते हैं तो ये अपने आप में बड़ा विश्वास की बात होती है और ऐसे में भारतीय वित्तीय तकनीक को आज अगर इस प्रकार से दुनिया के देशों के लोगों में वित्तीय लेन देन के लिए स्वीकारता मिल रही है तो ये भरोसा दिखाता है भारत के ऊपर, भारत के इस प्रकार की व्यवस्थाओं के ऊपर और भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को लेकर कि उनके पास ये महारत है, उन्होंने वो करके दिखाया है अपनी इतनी बड़ी आबादी के हिंदुस्तान के देश में तो वो तमाम देशों में भी लागू कर सकते हैं। और शायद यही भरोसा है जिस बात का आपने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, तो ये लोकल से अब ग्लोबल जो हो गया है ये उसके लिए एक बड़ी मुफीद तस्वीर कही जा सकती है। आज जबकि यूएई में भी अब यूपीआई मौजूद है, दुनिया के तमाम देशों में हम अपनी फिनटेक के माध्यम से जो विस्तार करते नज़र आ रहे हैं और ये सिर्फ उतना ही सीमित नहीं, जो तमाम भारतीय कंपनियां या तमाम प्रकार के जो लोग इस प्रकार के कामों में पीछे लगे हुए होते हैं
काम करते हैं उस लिहाज से अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पहिया भी घूमता है, वो सहयोग भी मिलता है और भारत की जो बढ़ती साख है, स्वीकारता है, उसमें भी एक कई प्रकार के चार चांद लगते नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, भारत जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ रहा है और कई एक तरह से क्षेत्रों में भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कई ऐसे बड़े नमूने सामने दिए हैं जिसे विश्व आज की तारीख में सराह भी रहा है, आने वाले समय में कई ऐसे देश अपनाना भी चाहते हैं। उस दिशा में ही कोविड का कोविन ऐप भी है अरेंद्र, हमें नहीं भूलना चाहिए। जहां एक तरफ UPI जैसी सुविधाएं हैं, वहां अन्य ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें भारत ने न सिर्फ ये दिखाया विश्व को कि किस तरह से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अन्य देशों के लिए भी उन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक तरह से को साझा करने की बात कही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में भी अरेंद्र, कि क्राउन प्रिंस किस तरह से अपने विजन को देखते हैं आने वाले समय में UAE के भविष्य को लेकर भी, जो तमाम अभी तक हम कहें कि पिछले 7 और 8 सालों में जो कई ऐसे बड़े समझौते हुए हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो बताता है कि दोनों देश अपने दोनों देशों की एक तरह से आने वाले भविष्य के लिए जो कई कदम उठा रहे हैं, उन कदमों में दोनों देशों की आर्थिक भलाई तो दिखाई ही दे रही है। बिल्कुल, और हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान शीलकांत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीलकांत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री के UAE के दौरे की अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण, और हमने देखा कि शुरुआत UPI ट्रांजेक्शन के साथ में हुई है। खुद UAE के राष्ट्रपति साहब का कार्ड था, उन्होंने ट्रांजेक्शन किया और उनके चेहरे के भाव ये दिखा रहे थे कि क्या ये बस हो गया पलक झपकते ही। तो ये जो पहल है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं एम्बेसडर शर्मा? नहीं, जैसा कि अभी किसी ने कहा, मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं कि भारत ने इस क्षेत्र में ये जो UPI के जरिए पैसों के ट्रांसफर की जो बात फैसिलिटेट की है लोगों को, और कितने 80 करोड़ लोग इसको उपयोग में लाए हैं, या 80 करोड़ बड़ा बड़ा भारी नंबर है जो दुनिया में अनूठा है। तो इसके कारण ये बहुत स्वाभाविक है कि वो जो इस चीज को समझते हैं, जो इसकी अहमियत को समझते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हों। और UAE एक देश है जो पिछले दशकों में, पिछले हाल के 2 दशक में इस तेजी के साथ, इस नई दुनिया के साथ मिला है, जुड़ा है, कि वो इस वहां इस बात की पूरी पूरी तरह से समझदारी है। तो ये जो उन्होंने किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक तो भारत के साथ प्रगाढ़ संबंध है, नितांत करीबी का देश है, नेबरहुड है, और उसके साथ जो प्रगाढ़ संबंध है उनका परिचय देते हुए उन्होंने एक स्वाभाविक रूप से इस काम को किया है। तो ये तो होना ही था। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये जो भारत की अभूतपूर्व सफलता है, एक जो महारत हमने हासिल की है, उसका ये फल है। तो उस देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे TV में आप दिखा रहे हैं, इसको देख के वाकई अंदर से मन को एक तरह का बहुत उत्साह मिलता है जी। क्योंकि भारत के जो होता रहता है, और इसको आप ऐसे देखिए कि इतना बड़ा देश है, जहाँ छोटे से गांव में आप कुछ छोटी सी चीज खरीदिए और वहां 50-60-70 रुपए की क्या ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाता है, और किसी को कैश की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं आप बड़े शहर में आइए और बड़ा भारी ट्रांजेक्शन कीजिए, वो भी हो जाता है, किसी को कैश की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो जोड़ा है भारत को, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए, ये भारत की अपनी उपलब्धि है, एक महत्वपूर्ण महान उपलब्धि है। और UAE इस तरह से उस उपलब्धि को की प्रशंसा कर रहा है, उसकी सराहना कर रहा है और उसको अपना रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि नितांत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। और प्रधानमंत्री का जो एक जो पर्सनल रेपो है इनके साथ, जो क्राउन प्रिंस के साथ, वो भी बराबर परिलक्षित हो रहा है इस वीडियो में जी। बिल्कुल श्रीकांत जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक तो दोनों ही लीडरशिप की जो अपनी केमिस्ट्री है उसने बहुत बड़ा एक तरह से रोल अदा किया है, आप कैसे देखते हैं दोनों देशों के संबंधों में, खासकर अगर हम इस दौरे की बात करें तो इससे
किस तरह से नए आयाम निकलते हैं, क्या नए मायने हैं? हम जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, उससे पहले की भारत की प्रधानमंत्री की यूएई की ये यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो यात्राएं जो हैं प्रधानमंत्री की, वो जिस तरह से निर्धारित होती हैं वो राजनयिका और स्टेटक्राफ्ट का एक तरह से रूप है, उसका इलेक्शन से ज्यादा संबंध नहीं है। बिकॉज ये जो मंदिर वहां पे बना यूएई में, उस मंदिर को इतने सालों से बना रहे थे और वो पूरा हो गया, तो उसके निर्माण उसके इनॉग्रेशन के लिए पीएम वहां पहुंचे हैं, तो ये पहले से तय था। फिर जो भारत और यूएई के संबंध हैं उनका जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है, ये भी पहले से तय था, और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये निरंतर बल इसको मिला है। तो जो नए जो नए एग्रीमेंट वहां हुए हैं वो भी एक तरह से एक कड़ी है जो जुड़ते चली जा रही है, और ये कड़ी अपने आप में वर्ल्ड में भारत के जो संबंध है उनमें इसका एक अपना स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो बड़े बड़े जो उसके डेटा हैं, जो इंडेक्स हैं, वो मैं कोट नहीं करना चाहता, कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड है, कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, कितना जुड़ाव है, ये आप जानती हैं, आपके शुरू में ही आपने ये बात कही है। तो ये एक तरह से कड़ी जुड़ती चली जा रही है, और बहुत ज्यादा जिसको वर्चुअल साइकिल कहते हैं, ऊपर की ऊपर निरंतर ये संबंध बढ़ रहे हैं। और इसको प्रधानमंत्री का इसमें सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो इसको हार्नेस कर रहे हैं, वो जानते हैं, वो समझे कि ये भारत और यूएई के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है, और जो नेता जो लीडरशिप के साथ जो केमिस्ट्री है, वो सब कुछ एक तरह से सम्मिलित होके संकलित होके आगे बढ़ रही है। क्या तो जी शीलकांत जी, क्या आप देखते हैं भारत की विदेश नीति में अगर पिछले 10 साल की हम बात करें तो एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट क्या आपको दिखाई देता है, और उस शिफ्ट के ही नए एक तरह से आयाम ये हैं जो संबंधों में खाड़ी देशों के साथ और यूएई के साथ जो भारत के संबंध हैं? जी हाँ, ये तो बिल्कुल निसंदेह बात सही है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके जो इन 10 सालों में जो उन्होंने नए आयाम छुए हैं, जो नई ऊंचाई पद तक देश को ले गए हैं, वो अभी तक उसकी तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है वो, और खासकर खाड़ी के देशों के साथ, क्योंकि खाड़ी के देशों के साथ जो हमारे भारतीय जो प्रवासी भारतीय वहां पहुंचे हैं और जिनके योगदान से वहां पे जो, और जैसे कि भारतीय प्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ कोई किसी तरह की जो स्टेट है उसके साथ विरोधी गतिविधि नहीं करते, वो उनका काम ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म इस तरह की चीज़ों में नहीं है, तो उनकी जो वैल्यू है उसको समझना और फिर उस वैल्यू को हार्नेस करना और उससे दोनों देशों के बीच में एक तरह का एक सिनर्जी को बढ़ाना, ये खाड़ी के देशों में भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बखूबी हुआ है इन 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 पिछले सालों में, और उसका ये परिचय है कि ये इसी साल के दौरान ये इन पिछले साल भर के दौरान यूएई में भारत की विजिट्स जो हुई, पीएम की विजिट्स हैं और जो यूएई के क्राउन प्रिंस की विजिट्स हैं, वो सब इस बात का परिचय देती हैं कि ये निरंतर पास आते जाते रहे हैं, निरंतर पास आ रहे हैं। और अरबी में कहा जाए तो अरबी में ना ये एक बड़ा जुमला होता है, कुल योम ताल, दैट मींस कम एवरी डे कम, तो वो बड़े सहज रूप में बोलते हैं, और वो लोग हम अरब कंट्री में रहे हुए हैं, वो लोग भी जब आपस में उनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है तो उनकी विजिट्स भी बड़ी सहज हो जाती हैं। शीलकांत जी, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मुलाकात को लेकर सहज दोस्ती में कहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि 7 महीने में ये 5वीं मुलाकात है, एक बेहद सुखद संयोग भी है और 7वीं उनकी यात्रा है, और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार वालों के बीच में बैठा हूँ, अपने घर में आया हूँ। तो आपको लगता है कि ये जो शब्द हैं, ये भावनाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रखे हैं, आपको लगता है यही वो एक
अपने आप में जो आपने कहा कि वर्चुअली लगातार चीजें ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाइयां छूती जा रही हैं, ये उसके संकेत और वाहक के तौर पर? जी हाँ, यही बात है। और ऐसा ही उनकी जो जो मानसिकता है, जो गल्फ देशों की मानसिकता है, और खासकर यूएई में, जो अबू धाबी, दुबई और शारजा, इन सब में जो मानसिकता है, वो इस मानसिकता को पुख्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल जब मिलते हैं तो दिल खोल के और खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मिले फिर चार साल के लिए भूल गए, ऐसा नहीं। वो जो उनको पसंद आते हैं उनके साथ वो लगातार मिलते रहते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, और उनका जो जो व्याख्यान है उसमें बराबर उन्होंने कहा कि ये एक परिवार की तरह हम आ रहे हैं, एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। तो ये जो ये बात है डिप्लोमेटिक संबंधों में, इस बात को समझना और इसको स्थापित करना बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये साधारण रूप से नहीं होती, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए मेधा जरूरी है और समझना चाहिए इस बात को। तो ये एक अभूतपूर्व मेधा का भी परिचय देता है ये भारत की नेतृत्व का, कि उन्होंने इस बात को समझा और उसको कार्यान्वित किया। जी, और शीलकांत जी, ये जो मुलाकात और जो दृश्य हम देख रहे हैं, जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री और यूएई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात दो देशों तक ही संबंधों और संदेश और रिश्तों तक सीमित नहीं है, विश्व पर भी क्या असर आप देखते हैं इन मुलाकात